Hey guys, welcome back to Pooja Bhalla's Kitchen. Today we are making dhaba style bhindi masala. So मैंने यहाँ पे एक non-stick pan ले रखा है, गैस मेरा medium to high के बीच में. अभी मैं इसमें 1 teaspoon के आसपास oil add कर रही हूँ. मैं ये coconut oil में बना रही हूँ. आप चाहे तो किसी भी cooking oil में बना सकते हैं. So अभी सबसे पहले हम अपनी भिंडी हल्की सी सॉटे कर लेंगे. So मैंने यहाँ पे ये आधा किलो या 1 lb भिंडी ले रखी है. इसको मैंने वॉश करके कट कर लिया था और तो मैं इसको पैन में ऐड कर दूंगी और इसको हम सॉटे कर लेंगे अच्छे से. तो बेसिकली नॉर्मल जो हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं वो प्याज का तड़का लगा के और सीधा हम ऐसे कच्ची ही भिंडी उसमें डाल देते हैं. बट इसमें जो हमें ढाबा स्टाइल बना रहे हैं इसमें हम पहले भिंडी सॉटे करेंगे और अलग से इसका फिर हम मसाला प्रिपेयर करेंगे. 1/2 teaspoon में इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सो इससे इसको कुक होने में हेल्प मिलेगी. मिक्स कर दूंगी इसको भी. सो भिंडी हमारी इतने सॉटे हो रही है, अभी हम दूसरी गैस पे इतने अपना इसका मसाला प्रिपेयर कर लेंगे. सो अभी दूसरी गैस पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है, गैस मेरा मीडियम टू हाई के बीच में. इसका तड़का जो मैं बनाऊंगी मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी. मस्टर्ड ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. सो अभी इसमें मैं 2-3 tablespoon के आसपास मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ. सो मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाए फिर हम इसमें और सामान ऐड कर रहे हैं. सो ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है, अभी मैं इसमें पिंच ऑफ हींग ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, 1/2 tablespoon क्यूमिन सीड्स. सो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन चिली ले रखे, इसको रफली स्लाइस कर रखा है मैंने. सबसे पहले मैं इसे ऐड कर दूंगी. और ये 1 medium साइज का मैंने अनियन ले रखा है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर रखा है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी. इसको सॉटे कर लेंगे. ग्रीन चिली ऑप्शनल है इसमें, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं. हाफ टी स्पून मैं इसमें ये चॉप जिंजर है मेरे पास, ये ऐड कर दूँगी. सो इसको भी साथ में इसके सॉटे कर लेंगे अच्छे से. आज हमें ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला बना रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. सो अभी इसमें मैं ये जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी अनियन फिर हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे. सो 1/2 teaspoon सॉल्ट मैंने भिंडी को सॉटे करने में ऐड किया था, 1/2 teaspoon मैं यहाँ पे कर रही हूँ. सो 1 teaspoon सॉल्ट मैंने टोटल इस सब्जी में ऐड किया है. सो इससे प्याज को भी सॉटे होने में हेल्प मिलेगी. सॉल्ट से, सॉल्ट ऐड करने से प्याज जल्दी से सॉटे हो जाते हैं. प्याज हमारी अच्छे से सॉटे हो गई है, अभी मैं इस पॉइंट पे 1/4 teaspoon इसमें पेपरिका ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. इससे क्या होगा, कलर भी अच्छा आएगा और हमारी भिंडी तीखी भी ज़्यादा नहीं होगी. तो ये अच्छे से इसने अपना कलर रिलीज कर दिया. अभी मैं इस पर इस पॉइंट पे 1 मैंने मीडियम साइज का टमाटो लिया था, उसको फाइनली चॉप कर रखा है, ये ऐड कर रही हूँ इसमें और इसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे. ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर आया है इसका, इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे. सो टमाटर मेरे सॉटे हो चुके हैं, अभी मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी. 1/4 teaspoon मैं इसमें हल्दी पाउडर टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon धनिया पाउडर एंड 1 teaspoon मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्यूमिन पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मसाले को अच्छे से सॉटे होने देंगे जब तक कि ऑयल रिलीज ना कर दें. तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से सॉटे हो गया है, इसने ऑयल रिलीज कर दिया है. तो अभी हमने आज इसको ढाबा स्टाइल बना रहे हैं. सो ढाबा स्टाइल भिंडी में होता क्या है कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो ये है, मैं इसमें 2 tablespoon घर का बना हुआ फ्रेश कर्ड ऐड कर रही हूँ. इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. इसको आप थोड़ा जल्दी इसको मिक्स करें इसमें, अदरवाइज क्या होता है जब सॉल्ट और कर्ड मिक्स होता है तो सॉल्ट कर्ड फट जाता है. सो आप इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो ये फटेगा नहीं.
सो इसका भी अच्छे से हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज कर दे, अच्छे से पक जाए पूरा कर्ड इसमें मसाले के साथ। इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका मसाले का, इसको 2 से 3 मिनट हम सॉटे करेंगे कि ये ऑयल रिलीज कर दे। सो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से सॉटे हो गया है, इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है, कितना अच्छा इसका रेड कलर आया मसाले का। अभी जो हमने अपनी भिंडी सॉटे होने के लिए रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो ये भी हमारी सॉटेड भिंडी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो ऑलरेडी कुक्ड हो चुकी है भिंडी हमारी, सो हमें इसको और कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले में। सो ये देखिए भिंडी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी जो मैंने इसमें फाइनल टच देना है वो ये है, मैंने यहाँ पे ये एक बड़ा अनियन लिया था उसको मैंने ऐसे ये मोटा मोटा चॉप कर लिया, उसके फ्लीक्स सारे अलग कर लिए। अभी जिस पैन में मैंने भिंडी अपनी सॉटे करी थी उसी पैन में हम इसको सॉटे करके और फिर इसको ऊपर से इसमें मिक्स करेंगे। सो उससे क्या होगा, जैसे हम ढाबे वाली भिंडी खाते हैं उसमें देखना मोटा मोटा प्याज ऊपर से अलग से होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगा। सो चलिए अभी हम इसको सॉटे कर लेते हैं। पैन मेरा ऑलरेडी हीटेड है क्योंकि मैंने अभी भिंडी इसमें से निकाली है। सो इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के आसपास ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसमें अब हम अपनी प्याज अच्छे से सॉटे कर लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, कि हल्की सी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। सो इससे बिल्कुल वही एकदम ढाबा स्टाइल भिंडी वाला टेस्ट आएगा जब हम इसको ऊपर से ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने कोई मसाला यूज नहीं करना, सिंपल खाली हमने प्याज सॉटे करनी है। अनियन हमने सॉटे करना है, इसको थोड़ा हम तेज फ्लेम पे करेंगे, जैसे मैंने मीडियम टू हाई के मेरा बीच में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा तेज गैस पे सॉटे करी, वो इसलिए इस पर कलर जल्दी आ जाएगा और ये सॉगी नहीं होगी। अदरवाइज हम इसको सिम गैस पे सॉटे करेंगे तो सॉगी हो जाएगी, कलर तो आएगा बट सॉगी नहीं, सॉगी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा अनियन कितना कैरमलाइज हो गया, अच्छे से इस पर कलर आ गया। गैस मैं ऑफ कर चुकी हूँ, सो अभी मैं इसको भिंडी में ऐड कर दूंगी इस अनियन। सो ये जो अनियन हमने सॉटे किया है मैं इसमें से 1/2 अभी इसमें भिंडी में ऐड कर दूंगी और 1/2 मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। सो तेज गैस पे इसको सॉटे करने का ये फायदा है, पूरा क्रंची रहेगा अनियन लेकिन कलर भी उतना ही अच्छा आएगा। सो ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास कलर आया हमारी भिंडी का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल भिंडी। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और इसको इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म फुल्कों के साथ। सो अभी सबसे लास्ट इन्ग्रीडियंट जो मैं इसका, मैं इसमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। सो लीजिए गाइस रेडी है हमारा ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला, इसको आज मैं सर्व कर रही हूँ बूंदी का रायता, प्लेन चपाती एंड पालक पराठा के साथ। आप इसको प्लेन पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो आप इसको बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें और फिर मुझे बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you next time with a new recipe. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.